सीनियर लीडर्स व इब्तदा से रहने वाले रहनुमाओं को ही टीपीसीसी के ओहदे से नवाजे। साबिक एमपी वी हनुमंत राव का बयान। साबिक एमपी वी हनुमंत राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना स्टेट कांग्रेस पार्टी के टीपीसीसी सदर के ओहदे को सीनियर लीडर्स व शुरू से पार्टी में रहने वालों को ही उस ओहदे से नवाजा जाए। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इस सिलसिले से जुड़ी तफसलात बताई। आइए देखते हैं एएचएन न्यूज चैनल के नुमाइंदे मोहम्मद वसीम की ये रिपोर्ट। जो लोग 23 लोग लेटर लिखे ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन होना लीडर आगे बढ़ना, जब तक लीडर आगे नहीं बढ़ेंगे तो कांग्रेस नहीं होता, उसके ऊपर लेटर के बाद कमलनाथ इनिशिएट लेके सोनिया गांधी को बुलाए। सोनिया गांधी बराबर उनको बुला के बातचीत करे, उसके बाद महाराष्ट्र में एक लीडर राहुल गांधी भी ये बोले कि भाई नहीं, कांग्रेस लीडर क्यों बोले तो मैं बराबर काम करने को तैयार हूँ, एक शुभ सूचना है। बात नहीं फंसता, नहीं तो कांग्रेस में फूट आएगा, ये मेरा डर है। बराबर किसी को दे ओरिजिनल कांग्रेस को देना चाहिए। लिखा जो इंदिरा गांधी का सोच है वही सोनिया गांधी का सोच है। इस वजह से मेजोरिटी पॉपुलेशन 54% ओबीसी है, 23% SC ST है, 17% माइनॉरिटी है। ये 100 मिला तो 87-88% होता, ओबीसी को देना चाहिए। अगर खुदा न करता कुछ हुआ मैं भी पूछ लू, नहीं तो मैं नहीं तो किसी को दो, मगर ओबीसी को दो नहीं, ओरिजिनल कांग्रेस को देना चाहिए। सब लोग अब तक हवाबाजी करे, सोशल मीडिया में लीडर बोले, मगर जो दुब्बा का इलेक्शन में और ग्रेटर हैदराबाद के इलेक्शन में स्टार लीडरों का क्या हालत हुआ आप खुद देखे। मैं ज्यादा नहीं बोलता उनके बारे में, सब चीज लिखा कौन क्या था, पार्टी में आने से पहले उनका हालत क्या था, पार्टी में आने के बाद क्या करे, ये सब चीज हर चीज बताए। मेरे को बराबर उम्मीद है हमारा सेकुलर पार्टी है, सेकुलर पार्टी के वही कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके आज सोनिया गांधी तक कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। सेकुलर आदमी बनना चाहिए, सेकुलर ओरिजिनल कांग्रेस बनाना चाहिए। यही लेटर मैं सोनिया गांधी को लिखा हूं और मानिक ठाकुर को सब चीज बताए कौन क्या बोला कौन क्या करा हर चीज। हमारे एच एन न्यूज को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।